में आए हैं मुजफ्फरपुर, एक आज पहला शुरुआत है। उसके बाद हम लोग मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज होते हुए हम लोग भागलपुर में खत्म करेंगे। हमारे साथ हमारे पार्टी के रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद साहब भी हैं और हमारे साथ MIM की और दूसरी टीम भी है। हम यही चाहते हैं कि जो बिहार में जो एक सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का जो सिर्फ खेल चल रहा है, तो आम लोगों में, दलितों में, अकलियतों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में एक जो जागरूकता होनी चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए, वो मिला नहीं है। तो हम MIM एक ऐसी जमात है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको, सब जो भी दबे कुचले हैं, सबको एक आवाज़ देने आई है। हम तमाम मुजफ्फरपुर के लोगों से और बिहार के लोगों से आप दावत देने आए हैं कि ये दावत देने आए कि आप MIM से जुड़िए और ये आपकी जमात है, ये हक और आवाज़, क्योंकि आपने 70 साल से देख लिया कि आपके इलाके की जो बदहाली है, कोई विशेष पैकेज की बात करता है, कोई कभी बीजेपी में जाता है, कभी बीजेपी को छोड़ता है। नीतीश जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश जी फिर से उसी जगह पर है। हम विकास की बात करने आए हैं, हम दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के हक की आवाज़ बनने आए हैं। हम तमाम लोगों से यही पैगाम देने आए हैं कि आइए MIM से जुड़िए और बिहार में एक नई क़यादत को मजबूत कीजिए जो आपकी हक की आवाज़ हो। राजभाषा का उसका काफी जमकर विरोध किया आपकी पार्टी ने, थोड़ा सा सर NRC जैसा आपने देख लिया, 1600 करोड़ रुपया NRC पर खर्च हुआ और ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईया, 1 लाख गोरखा नहीं है, 3 से 4 लाख लगभग ऐसे लोग हैं जो अभी है ही हयात से नहीं है। बहुत जो इनका मकसद था, प्रकाश जायसवाल 50 लाख बोलते थे, किरण रिजिजू 30 लाख बोलते थे, अमित शाह जाकर कुछ और बोलते थे, हेमंता बिस्वा भाजपा के मंत्री कुछ और बोलते थे, लेकिन क्या हुआ, 1600 करोड़ रुपया खर्च होकर क्या निकला, 19 लाख आदमी निकले, उसमें भी 3-4 लाख आदमी है नहीं। बहुत जो इनका टारगेट था, टारगेट पूरा फेल हो गया है। तो आप जो टैक्स पेयर मनी है, कोई भाजपा का निजी संपत्ति नहीं है, ना निजी पैसा है। आपको लगता है आप हक की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप हर दिन अटेंशन डाइवर्ट करने की भाजपा जानती है बात। कभी इकोनॉमी की स्थिति हर दिन बस से बदतर हो रही है तो हिंदी का मुद्दा ले आएगा। आज 10 लाख रोजगार ऑटो सेक्टर में चला गया तो बोलेगा पाकिस्तान ये। अरे भाई, मुझे ना पाकिस्तान से मतलब है, ना मुझे अफगानिस्तान से मतलब है, हम इसी मिट्टी हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान से मतलब है। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन हो, रोजगार मिले, हिंदुस्तान की तरक्की, हमारी तरक्की दोनों जुड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि देश की तरक्की हो और बिहार की तरक्की हो और हम चाहेंगे, हमारे पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इश्तियाक अहमद साहब। देखिए, इस वक्त तो पार्टी सीमांचल से निकल कर आप देखेंगे कि हमारी पार्टी 5 साल से पूरे बिहार में नहीं बल्कि सीमांचल के 4 जिले में काम कर रही है। और इस वक्त 2019 में अख्तरुल ईमान साहब लोकसभा में चुनाव भी लड़े, 3 लाख वोट भी मिला। अब पूरे बिहार के आम नौजवानों, बुजुर्गों और जन आकांक्षा को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के निर्देश पे बिहार की टीम ने ये चाहा है, ये फैसला लिया है कि हम लोग पार्टी का विस्तार पूरे 38 जिले में कर दें और इंशाल्लाह हम पूरी, जब जन समर्थन, हमारा संगठन पूरा मजबूत हो जाएगा, अभी जमनी इंतखाब भी हम लड़ेंगे और 2020 का विधानसभा भी बड़ी मजबूती से पूरे बिहार में अधिकांश सीटों पर लड़ेंगे। और हम चाहेंगे कि हर जिले में हमारा संगठन मजबूती से खड़ा हो, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का खोखला नारा देने वाली ये सरकार हर महाज पे फेल साबित हुई है। विशेष तौर पर अकलियतों, दलितों, पिछड़ों को उसका वाजिब हक इस बिहार में नीतीश सरकार में नहीं मिल पाया है। लोग अपेक्षित महसूस कर रहे हैं और एक तीसरे महाज की, तीसरे कोई लाइन के इंतज़ार में है कि कोई मेरी लीडरशिप खड़ी हो जो दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को उसका हक दिला सके। इसी बुनियाद पर हम अपनी पार्टी को लेकर के मुजफ्फरपुर की सरजमीन में आ जाए हैं, फिर कल से हम लोगों का अनेकों जिले में दौरा है।